हेलो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं अवकल समीकरण। और अवकल समीकरण में आज पढ़ेंगे आप 8 नंबर का, जो बोर्ड पेपर में 100% आएगा, कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए हमारे साथ आप पढ़ेंगे रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक का मतलब होता है एक घात, अवकल समीकरण। यानी इसमें दो टॉपिक जानना आपको बहुत जरूरी है। एक तो होता है dy बटे dx और एक होता है dx बटे dy। तो पहले हम बात करेंगे dy बटे dx के बारे में। अगर dy बटे dx दे रखा है तो यहां लिखा होगा p by, क्या लिखा होगा y, और यहां पर होगा q। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, इस तरीके से अगर कोई भी समीकरण दे रखी होगी तो वो होगी रैखिक। और ये आप मान लीजिए 100% इसी टॉपिक से आएगा, तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि वाई का है या एक्स का है। वो हम पूरी समीकरण जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको इसमें आनंद आने लगेगा। इसमें सूत्र जो होता है एक इंटीग्रल ऑफ फैक्टर, वो होता है ई की पावर पी, यहां पर क्या होता है पी डीएक्स। और यहां पर जो है इसी को हम बोलते हैं समाकलन, समाकलन गुणांक। क्या बोलते हैं? समाकलन गुणांक, इंटीग्रल ऑफ फैक्टर, समाकलन गुणांक। कभी कभार आपको इतना ही पूछ लेगा कि समाकलन गुणांक क्या है। तो इसका जो सूत्र है वो क्या है, वाई, यहां पर क्या होता है वाई इंटीग्रल ऑफ फैक्टर, और यहां पर होता है क्यू इंटीग्रल ऑफ फैक्टर dx प्लस पी। सबसे पहली समस्या ये है कि हम क्वेश्चनों में ये सूत्र याद कैसे करें। तो हम क्या काम कर रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन लिखा हल्का सा, dy बटे dx प्लस y बटे x x स्क्वायर। तो आप ये देखिए समीकरण की तुलना आपको dy बटे dx प्लस py प्लस q से कर दो। बस यहां पर y है तो py। ये बताओ p की जगह कौन है, p की जगह है 1 अपॉन x, और q की जगह कौन है x स्क्वायर। क्लियर, इतना तो आप कर लोगे आई होप। यानी y का कोफिशिएंट p, तो y का कोफिशिएंट 1/x, q की जगह x स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। dy / dx है, y है, है y के आगे p, y के आगे 1/x, तो p की वैल्यू, ये इधर वाला कौन रह जाता है q। अब आपको यहां पर करना क्या है, if, if क्या होता है e की पावर इंटीग्रल p dx, p dx। जब आप if निकालेंगे, इंटीग्रल ऑफ फैक्टर निकालेंगे, तो p की वैल्यू कितनी है 1/x। तो आई होप आप जानते होंगे, मैं आशा करता हूं कि 1/x का जो समाकलन होता है वो होता है log x। क्या होता है? log x। और आपको मालूम है e की पावर log हो तो log से log कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ जाता है, आ जाता है x। क्या आ जाता है? x। एक बार दोबारा रिपीट कर दे, पहले समीकरण की तुलना करेंगे, y की जगह y है, p की जगह 1/x है, q की जगह x स्क्वायर है, इंटीग्रल ऑफ फैक्टर x आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, इसके बाद में हम सूत्र याद नहीं कर रहे, तो लिख दे रहे हैं भाई, फिर भी सूत्र लिख दे रहे हैं। आपको किसके टर्म में, कि कौन है y, तो y निकाला क्या है, इंटीग्रल ऑफ फैक्टर y की टर्म है, ये y निकाला क्या, इंटीग्रल ऑफ फैक्टर। सूत्र याद हो गया हमारे साथ साथ चलेंगे। अब रह क्या गया, p का काम कर लिए, q रह गया, तो q निकाला क्या है, इंटीग्रल ऑफ फैक्टर, क्या कर दिया dx प्लस c, क्योंकि x में आया है, तो y इंटीग्रल ऑफ फैक्टर, q कितना है x स्क्वायर, if कितना आया है x dx प्लस c। तो आप भाई साहब देख रहे हैं yx x की घात 2 और 1 3 प्लस c, c तो ये सूत्र में है। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया है तो एक बार और देख लेंगे। x की घात 4/4 प्लस c आंसर। एक बार दोबारा हम जब सवाल बताते हैं तो हमारा ये है कि हम पहले सवाल को मिटा देते हैं,
क्लियर, हमें नहीं मालूम क्या है सवाल। पहले ये देखो, ये जो है वो आपको dy बटे dx की जगह dy बटे dx है, y की जगह y है, p की जगह कौन है, p की जगह है 1 upon x, q की जगह कौन है, x square, कौन है, x square। तो आपको यहां पर लिखना क्या है, इंटीग्रल ऑफ फैक्टर यानी समाकलन, या समाकल बोल देते हैं, समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक क्या होता है, e की पावर p dx, भाई सब क्या है p और ये क्या है dx, आपको पहले ही पता चल जाएगा, अगर p में x में है तो dx आएगा, y में तो dy आएगा, उसकी तो फिर कोई चिंता मत करो। यहां पर p की वैल्यू है 1 upon x, तो 1 upon x का होता क्या है भाई, पूरा आप बुक पढ़ चुके हो तो ये तो पता होना चाहिए भी समाकलन होता क्या है, तो log x, यहाँ पर एंगल में ई होता है इसमें आधार में, तो log से log कट के कितना बचे आई, सॉरी x, क्या हो गया x। अब आपने भाई यहाँ पर p के साथ में कौन था y, कौन था y, निकाला क्या है if, क्या निकाला है if, रह कौन गया है q, फिर if निकाला है dx plus c, if की वैल्यू कितनी है x, q की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी x, x की घात 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 का समाकलन क्या होता है x की घात 4 बटे 4, क्या समझ रहे हैं बच्चों, यदि ये थोड़ा कम समझ में आया हो तो एक सवाल हम और ले रहे हैं, और आपको दो सवाल इस वीडियो में, हम आपको वीडियो लंबी हो जाएगी, केवल हम दो सवालों की बात करेंगे, और जब आपको दो समझ में आ जाएंगे तो तीन के सवालों की बात करेंगे आगे चल के। जैसे आपको क्वेश्चन अगला दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात कर रहे हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो यह लिखा हुआ है cos स्क्वायर x dy बटे dx प्लस y बराबर tan x, और हमारी समीकरण क्या होती है, हमारी समीकरण होती है dy बटे dx प्लस py बराबर q, भाई सब dy बटे dx के आगे कुछ है ना है, लेकिन इसमें तो है, जब है तो उसको क्या करेंगे पूरे से भाग कर देंगे, क्या कर देंगे भाग, आपको समझ में आ रहा होगा, cos स्क्वायर x से क्या कर देंगे भाग, भाग करने पर, और जैसे ही भाग किया तैसे ही यहां पर आ गया 1 upon cos स्क्वायर x by tan x बटे cos स्क्वायर x, भाई साहब 1 upon x स्क्वायर की थोड़ी इसकी आदत से कर लो, ये थोड़ा उल्टा है, कैसा है ये उल्टा है, मार्कर कर दे उल्टा है, तो इसको कर लिया हमने sec स्क्वायर, इसको कर लिया sec स्क्वायर, और इसको भी सही कर लो, इसकी भी हरकत सही नहीं है, cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो गया sec स्क्वायर, क्या आप सही समझ रहे हैं। अब हम तुलना कैसे करेंगे, समीकरण की तुलना करेंगे, वो करेंगे dy / dx plus py बराबर q बराबर q, तो आप देख रहे हैं y के आगे कौन है sec स्क्वायर, y के आगे कौन है sec स्क्वायर, तो p बराबर sec स्क्वायर x, q किसकी जगह बैठा हुआ है, q स्थान घेर रहा है tan x / sec स्क्वायर x, एकदम रबड़ी की तरह लग रहे हैं मीठे मीठे, और सवाल भी कितने नंबर का आएगा, या 8 का या 5 का, पिछली बार तो हद ही कर दी, धुआंधार अवकल समीकरण आई थी, अब भाई साहब सूत्र लगा लें, सूत्र हमने याद ही नहीं करेंगे, हम क्यों याद करें भाई, अपने आप देखो इंटीग्रल ऑफ फैक्टर e की पावर p dx, p की वैल्यू है कितनी sec स्क्वायर x, कितनी है sec स्क्वायर x, अब sec स्क्वायर का क्या होता है, sec स्क्वायर का होता है tan x, क्या होता है tan x, यानी इंटीग्रल ऑफ फैक्टर बराबर आ गया tan x, दोबारा सुनिए, तुलना करने के बाद में आपको इंटीग्रल ऑफ फैक्टर निकालने हैं, क्या निकालने हैं इंटीग्रल ऑफ फैक्टर, p की जगह p की वैल्यू sec स्क्वायर का tan x, क्लियर हो गया। अब भाई सब सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र होता है y इंटीग्रल ऑफ फैक्टर q इंटीग्रल ऑफ फैक्टर y इंटीग्रल ऑफ फैक्टर y इंटीग्रल ऑफ फैक्टर y इंटीग्रल ऑफ फैक्टर q इंटीग्रल ऑफ फैक्टर dx प्लस, क्लियर,
इंटीग्रल ऑफ फैक्टर कितना आया भाई साहब, वो आया 10x। क्यू कितना है 10x, sec square x। इंटीग्रल ऑफ फैक्टर क्या है, e की पावर 10x dx plus c। और हम भली बात ही इस चीज से परिचित हैं, समाकलन हमने बहुत किया है, जो घाते होती हैं उसको क्या मान लेते हैं हम t। अब यहाँ पर उन बच्चों को समस्याएं आ जाती हैं जो लोग गहराई से समाकलन में पड़े हुए हैं। y बराबर y इन e की पावर 10x, यहाँ पर e की पावर 10x, 10x sec square x dx plus c, 10 को t मान लो, माना 10x बराबर t। अब भाई साहब 10x का क्या होता है, sec square dx बराबर t। अब इसको क्या माना है t, इसको तो थोड़ी माना है, ये तो ऐसे ही e की पावर t, ये भी बेचारे t में चले गए, और sec square dx ये क्या लगा दिया dt plus c। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वीडियो को दो तीन बार देख लें, समझा जाए। अब आपको अभी दो दिन पहले वीडियो में बताया गया आईलेट का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, आईलेट का 7.6 को आप रिपीट कर लीजिए, उसमें हमने आईलेट में बताया, इसे फर्स्ट बताया, इसे सेकंड, वो आप देख लो पक्का समझ में आ जाएगा। तो टी ऐसे पहला पद ऐसे दूसरे का समाकलन बताया, फिर हमने बताया है पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन। अब भाई साहब जब तक आप थोड़ा हमारी मेहनत को देखेंगे नहीं तब तक कैसे समझ में आ जाएगा। e की पावर t का e की पावर t, t का वर्ग और e की पावर t का e की पावर t dt plus c, तो t e की पावर t और e की पावर t plus c by e की पावर 10x, तो आपका आंसर आ गया y e की पावर 10x बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर 10, e की पावर t कॉमन ले लेंगे तो t minus 1 plus c, और t मेरे ना e की पावर 10x, 10x माइनस 1 प्लस c। हाँ सर, तो आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ में आए हों। यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये इसमें इस क्वेश्चन में ये समस्या आई थी, तो हम अपनी गलतियों को द्वारा मतलब जो है दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम है हम सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं तो आप उसमें हमें मौका दें सही कर